इंसानों ने सौर मंडल के अनेक ग्रहों तथा चंद्रमाओं में अपने अंतरिक्ष यान को भेजा है, पर नासा ने एक समय ऐसे यान को अंतरिक्ष में छोड़ा था जो कि इतना दूर जा चुका है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जिसका नाम है वॉयेजर। आज की वीडियो में हम इस यान के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वॉयेजर्स को बाहरी ग्रहों की एक दुर्लभ ज्यामितीय व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया था जो हर 170 वर्ष में केवल एक बार होता है। वह सभी तीन ग्रह एक ही दिशा में थे। यह कॉन्फ़िगरेशन एक जहाज से बड़े ग्रह पर प्रसंस्करण प्रणाली की आवश्यकता के बिना एक ग्रह से अगले तक स्विंग करने की अनुमति देता है। प्रत्येक ग्रह की फ्लाइबी दोनों अंतरिक्ष यान को तेज करती है और इसके उड़ान पथ को झुकती है। इस गुरुत्वाकर्षण सहायता के बिना नेपच्यून पर उड़ान का समय 30 साल होगा। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को पहले लॉन्च किया गया था। उसके बाद वॉयेजर 1, जिसे 5 सितंबर 1977 को बृहस्पति के लिए तेज छोटे प्रक्षेप वक्र पर रखा गया था। दोनों लॉन्च फ्लोरिडा के केप कैनावेरल वायुसेना स्टेशन में हुए थे। लॉन्च के 18 महीने बाद वॉयेजर 1 बृहस्पति पर 650 लाख किलोमीटर दूर पहुँचे। अंतरिक्ष यान ने 5 मार्च 1979 को अपना निकटतम दृष्टिकोण बनाया, जबकि वॉयेजर 2 ने उसी वर्ष 9 जुलाई को दृष्टिकोण बनाया। अंतरिक्ष यान की जोड़ी से वापस स्ट्रीमिंग छवियों ने बृहस्पति के वायुमंडल के जटिल विवरण में जटिल घुमावदार अशांति को प्रदर्शित करना शुरू किया। बृहस्पति के ऊपरी वायुमंडल में धरती का आकार 3 बार एक विशाल तूफान उग्र हो रहा था जो चारों ओर घुमाए गए धाराओं को घुमाकर घिरा हुआ था। वॉयेजर 1 ने एक चौंकाने वाली खोज की। यह बृहस्पति के 4 प्रमुख चंद्रमाओं के सबसे निचले भाग में आईओ पर विस्फोटित 9 सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए। 4 महीने बाद वॉयेजर 2 ने पाया कि 9 ज्वालामुखी में से 8 अभी भी विस्फोट कर रहे थे। हर किसी के आश्चर्य के लिए बृहस्पति के चारों ओर एक पतली धूलदार अंगूठी भी खोजी गई, जिससे वैज्ञानिकों ने ग्रहों की अंगूठी प्रणालियों की उत्पत्ति और यांत्रिकी पर अपनी सोच को संशोधित करने के लिए मजबूर किया। वॉयेजर्स शनि तक पहुंचने के बाद शनि में अपने राजसी छले के साथ वॉयेजर्स ने उच्च रेजोल्यूशन चित्रों को लिया ताकि वैज्ञानिकों को यह निर्धारित करने में मदद मिल सके कि रिंग किस प्रकार बनाई गई और उन्हें कक्षा में रखा गया। ग्रहों के छले को समझाने के सिद्धांतों को तेजी से लिखा जा रहा था क्योंकि 1 नवंबर 1980 और अगस्त 1981 में छवियां नीचे आईं, जब क्रमशः वॉयेजर 1 और 2 ने गैसीय विशालकाय के दौरे किया। प्रोजेक्ट कंट्रोलर ने वॉयेजर 1 को एक प्रक्षेपण पर भेजा जिसने शनि के बड़े चंद्रमा टाइटन के बहुत करीब ले लिया। उस प्रक्षेप वक्र ने अंतरिक्ष यान के पथ को अकल्पनीय रूप से ग्रहण विमान से बाहर उत्तर दिशा में घुमाया। वे विमान जिसमें अधिकांश ग्रह सूर्य की कक्षा में है। हालांकि JPL वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को यूरेनस और नेपच्यून पर उम्र बढ़ने की जाँच भेजने के लिए वॉयेजर 2 में पर्याप्त विश्वास था। अंतरिक्ष यान ने यूरेनस की विभिन्न दुनिया का चित्रण किया, शायद एक विशाल प्रायोगिक टक्कर का परिणाम। यूरेनस सिस्टम में 10 नए चंद्रमा खोजे गए थे और ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र रोटेशन के यूरेनस की धुरी के लगभग समानांतर साबित हुआ। अगस्त 1989 में यूरेनस से परे 2.5 लाख किलोमीटर वॉयेजर 2 नेपच्यून के पीछे पहुँचा, जो पहली बार ग्रह के आश्चर्यजनक सक्रिय वातावरण को दिखा रहा था। चूंकि ग्रह को इतनी कम सूर्य की रोशनी मिलती है, वैज्ञानिकों ने एक सहज फीचरलेस ग्रह देखने की उम्मीद की थी। इसके बजाय वॉयेजर ने उन्हें किसी भी अन्य ग्रह की हवाओं की तुलना में तेजी से गति से घूर्णन की दिशा के विपरीत पश्चिम की ओर बहने वाली हवाओं के साथ एक गतिशील वातावरण दिखाया। नेपच्यून ने पहली बार अपने ग्रेट डार्क स्पॉट का खुलासा किया, बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा एक तूफान प्रणाली और एक छोटा पूर्व दिशा में चलने वाला बादल जिसे स्कूटर कहा जाता था, जो बचकर 16 घंटों के दौरान ग्रह को घेर रहा था। नीले ग्रह को फैलाने वाले धूलदार छले और 6 नए चंद्रमाओं में घिरा हुआ था जो पहले से ही ज्ञात थे। ने रेड और ट्राइटन के साथ कक्षाओं की खोज की गई थी। चूंकि वॉयेजर 2 ने नेपच्यून पारित किया और सौर मंडल के किनारे अपनी यात्रा शुरू की, इसके कैमरे को ग्रहों पर वापस देखने के लिए घुमाया गया और सौर मंडल का एक अंतिम भाग लेने वाला शॉट ले गया। वॉयेजर 2 का पारिवारिक चित्र सौर मंडल की विशालता और बाहरी ग्रहों के बीच मौजूद खालीपन के विशाल विस्तार को दर्शाता है। दोनों वॉयेजर्स अब सौर मंडल की बाहरी सीमा के लिए नेतृत्व कर रहे हैं, जहां सूर्य अब इंटरप्लैनेटरी अंतरिक्ष को प्रभावित नहीं करता है। यह किनारा सूर्य से परे 8 अरब और 23 अरब किलोमीटर के बीच कहीं कहीं माना जाता है।
इंजीनियरों आशावादी हैं कि 21वीं शताब्दी की पहली तिमाही में जब सीमाएं कभी कभी सामने आती हैं तो वॉयजर्स डेटा ट्रांसमिट कर रहे होंगे। वॉयजर गोल्डन रिकॉर्ड्स दो फोनोग्राफ रिकॉर्ड हैं जो 1977 में वॉयजर दोनों अंतरिक्ष यान में लॉन्च किए गए थे। रिकॉर्ड में पृथ्वी पर जीवन और संस्कृति की विविधता को चित्रित करने के लिए चुने गए ध्वनियां और छवियां शामिल हैं और भविष्य में किसी भी बुद्धिमान बाह्य जीवन के रूप में या भविष्य के लिए लक्षित हैं इंसान जो उन्हें पा सकते हैं। उन अभिलेखों को एक समय कैप्सूल के रूप में माना जाता है। न तो वॉयजर अंतरिक्ष यान किसी भी विशेष स्टार की तरफ बढ़ रहा है। वॉयजर एक स्टार ग्लेस 445 की 1.6 प्रकाश वर्ष दूरी के भीतर वर्तमान में नक्षत्र कैमलोपार्डलिस में लगभग 40,000 वर्षों में गुजर जाएगा। जब अंतरिक्ष यान का सामना किया जाएगा और रिकॉर्ड डिकोड केवल तभी होता है जब इंटरस्टेलर स्पेस में उन्नत अंतरिक्ष उत्सर्जित सभ्यताएं हों। लेकिन इस बोतल को महासागर में लॉन्च करने से इस ग्रह पर जीवन के बारे में जानने की बहुत उम्मीद है। वॉयजर्स की 40 साल से यात्रा जारी है। अब वॉयजर हमारे सौर मंडल से बाहर है और अब वॉयजर एक इंटरस्टेलर स्पेस में है और वॉयजर 2 वर्तमान में हीलियोस्फीयर में है। हीलियोस्फीयर की बाहरी तम परत जहां इंटरस्टेलर गैस के दबाव से सौर हवा धीमी हो जाती है।